सौम्या, सौम्या। हाँ इंग्रिड, आती हूँ। अरे मिताली, तुम? नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ बैठो। और सब ठीक है? हाँ हम तो ठीक ही है, और तुम? हाँ हमारे यहाँ भी सब ठीक है। और बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुमसे बहुत दिन से मिला नहीं था तो सोचा मिल लो। अच्छा, तुमको जरूर काम होगा कुछ। क्यों, कोई काम होगा तो ही आ सकते, क्या ऐसे नहीं आ सकते? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आ सकते, पर तुम बहुत बिजी रहती हो तो मैंने सोचा काम होगा जरूर। अरे भाई, काम करना भी तो जरूरी है ना, और टीचर्स लोग भी काम करके परेशान हो जाते हैं, उनका भी थोड़ा साथ दे देते हैं। अच्छा हाँ, तभी तो सब टीचर तुमको इतना मानते हैं। चलो छोड़ो, तुमको कोई काम होगा जरूर, बताओ क्या काम था। हाँ हम तुमको ये बताने आए थे कि इस बार भी प्रभात संगीत दिवस हमें मिलजुल कर मनाना है। हाँ पर इस बार तो लॉकडाउन है, कैसे मनाएंगे? इसलिए तो इस बार ऑनलाइन करने का सोचा है, बड़े लेवल पर, और बड़े लेवल पर। ओ ऑनलाइन? हाँ ग्लोबल लेवल पर करेंगे इस बार। हाँ लेकिन इन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? हाँ हम कुछ बच्चे स्कूल में आके प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, और टीचर्स भी आते हैं, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, और जो बच्चे स्कूल के आसपास रहते हैं उनमें से भी आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टेड, और बाहर वाले लोगों को हम वीडियो भेज देते हैं। एक मिनट देती हूँ। ले सामिया बेटा, रूपाली का फोन है। नमस्कार आंटी। हाँ नमस्कार बेटा, कैसे हो? ठीक, और आप? मैं भी ठीक हूँ। और घर में मम्मी पापा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। बैठो ना। हाँ अभी बैठिए ना, एक मिनट आती हूँ। हाँ वो कहाँ थे हम? स्कूल की बातें कर रहे थे। हाँ तो फिर कैसे मनाएंगे हम इस बार? तो ऑनलाइन मनाएंगे, और जो बच्चे बाहर होंगे वो अपना वीडियो भेज देंगे, और तुम भी आओगी ना, करोगी ना पार्टिसिपेट? देखते क्यों है, आना है, करना है। हाँ पर अब इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया ना। वो क्या है, पहले सब अपने साथ वाले म्यूजिक और डांस में लेने वाले थे, अब वो सब यहाँ है नहीं तो मन भी नहीं लगता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन पार्टिसिपेट करने से ही तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। हाँ वो तो सही बात है, पर फिर भी 15 अगस्त में भी तुम नहीं आई थी। हाँ क्या करें, लॉकडाउन था ना तो आने ही नहीं दिया। अब कर लो पार्टिसिपेट, वैसे भी ऑनलाइन ही तो है, और तुम्हारे पहचान में कोई होगा जो इंटरेस्टेड है उसे भी बता देना। अरे हाँ याद आया, रुचि। रुचि ये कौन है? अरे ये मेरी फ्रेंड है, पड़ोस में ही रहती है, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है म्यूजिक और डांस में। अच्छा ही है ना, उसे भी अपने साथ लेकर आना। हाँ उसकी एक बहन भी है मान्या, पर मुझे नहीं लगता वो इसमें इंटरेस्ट लेगी। कोई बात नहीं, उसे भी ले आना, इंटरेस्ट लेगी तो कर लेगी। हाँ क्योंकि वो ज़्यादा वेस्टर्न में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना। हाँ हम लोगों को बताएंगे इसके बारे में, और स्कूल आएंगे उनके साथ। हाँ आ जाना, चलो हम चलते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे कॉन्टेक्ट करवा देना, ऑनलाइन ही तो है। हाँ तुम्हारा नंबर तो हमारे पास है ही वैसे भी। चलो ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। अरे बुशरा तुम सैनिटाइजर लाई हो? नहीं मैं तो नहीं लाई। अरे वहीं रखा है, कर लो। जी मैम। आज इतनी देर क्यों लगा दी है, कब से हम इंतजार कर रहे हैं तुम लोग का। चलो आओ जल्दी, एक लोग हारमोनियम लेकर आओ। अरे मैम ये तो उठ ही नहीं रहा। कैसे उठेगा, खाते ही पीते नहीं हो तुम लोग, तुम भी जाओ, दोनों एक साथ पकड़ो ना, इसको उधर रखो। हम तुम लोग को गाना बताए थे ना, चलो गाओ। अरे मैम वो तो याद ही नहीं हो रहा है। जी मैम वो तो याद भी नहीं हो पा रहा, समझ में भी नहीं आ पा रहा। इतना अच्छा तो गाना था,
अब मैम वो वाला गाना गा दे जो सानिया और मैंने गाया था पिछले साल अर्जुन और प्रदीप। तो हम बार बार तुम लोग का गाना ही चेंज करेंगे। चलो गाओ। अच्छा लिख भी लिया है, पहले से ही प्लानिंग करके आए थे। उसकी दीदी को भी याद होगा, वो उसको सिखा देगी। अरे वरिते है कि तुषिते है? तुषिते है मैम। सही सही गाओ। अरे चली आशी की चली आची, सादी आची, सब में सीसी लगा देती है। अच्छा वो जो आप लोग गलत लिखे हैं ना उसको सही कर लीजिए, कर लीजिए अभी। नमस्कार। नमस्कार नव्या, कितनी देर लगा दी तुमने आज, अब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी ऑफिस में। भी तो आई हूँ मैं इस रूम में। डायरी लेके आओ इधर। जी मैम। मैम कल आपने जो बताया था ना मुझे, मैं उसका उसमें कुछ मिस कर रही। कहाँ पर? वो म्यूजिक के बाद है ना, जदी भालोवाशे। जदी भालोवाशे मतलब? जदी भालोवाशे थाको मतलब अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो। ते हैं, गाना लगाते हैं। म्यूजिक का तो तुम्हें आता है ना? যদি ভালোবেসে থাকো মোর ঘরে তুমি এসো মনের মাধুরী মেখো চিদাকাশে সদা ভেসো। अरे संध्या मैम आती है या नहीं? आती है ना, वो नहीं आएंगी तो कैसे चलेगा। आ तुम्हें मिलाती हूँ। हाँ चलो चलो। अरे चलो ना। मैं कमिन मैम। कमिन। नमस्कार मैम। ए आज सौम्या भी आई है? जी मैम। आइए बैठिए। अच्छा आप लोग इसको वहाँ रखिए और बैठ के गाना याद कर, ठीक है? जी मैम। और आप लोग भी थोड़ा दूर दूर बैठिए। जो ये कौन है? ये रुचि है मेरी फ्रेंड, इसको भी म्यूजिक और डांस में बहुत इंटरेस्ट है। अरे भाई नाम ही रुचि है तो इंटरेस्ट तो होगा ही। और आपको क्लासिकल आता है? नहीं मैम कभी सीखा तो नहीं, पर गाने वाने का प्रयास करते रहते हैं, भजन वगैरह गा लेते हैं। अच्छा तो कोई गा के सुनाइए। एक मेरा दो मन शाह अंतर क्या दोनों की चाहने एक प्रेम में निवाना एक दर्शति एक प्रेम में दीवाना एक दर्शति। आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगी तो आवाज़ और खिल जाएगा। मैम समय नहीं मिल पाता है और फिर कोई सिखाने वाला भी तो नहीं मिल पाता है ना। मैम आप हमें सिखाएंगी? क्यों नहीं, ज़रूर आप इन लोग के साथ आया करिए। और अभी तो प्रभा संगीत उत्सव भी है, प्रभा संगीत पर आधारित डांस और गाने भी होंगे तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए। और अभी तो सब ऑनलाइन है। ओके मैम थैंक यू वेरी मच। और मिताली को डांस का लिस्ट दीप्ति मैम को देने के लिए कहा था ना, दे दिया? नहीं मैम उसमें और बच्चों का नाम ऐड करना है, जैसे कि रुचि वो डांस भी करती है। वाह ये तो एक के साथ एक फ्री है। और बताओ सौम्या तुम्हारा हालचाल कैसा है? जी मैम सब ठीक ही है। पढ़ाई लिखाई? हाँ वो भी कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। और म्यूजिक की प्रैक्टिस हो रही है? कहाँ मैम अभी तो घर पे ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि हम कर सकें। हाँ वो तो है,
तो आप लोग आया करिए। जी मैम आएंगे। जाओ मिताली, इन लोग को दिखती मैम से मिलवा। ओके मैम। नमस्कार मैम। कार चलो दीप्ति मैम से मिल लो। हाँ ठीक है चलो मिल लेते हैं। अरे अंदर प्रैक्टिस चल रही है, मैम को डिस्टर्ब हो जाएगा। कम इन आ जाओ। नमस्कार मैम। नमस्कार सौम्या, आज तुम भी आई हो। अरे सौम्या दीदी आप आओ आओ बैठो। नहीं नहीं मैम आपको डिस्टर्ब होगा। अरे आ जाओ, वैसे भी बहुत दिन बाद आई हो, तुम भी बैठ जाओ। आज सूरज कहाँ से निकला है सौम्या, जो तुम इतने दिन बाद आई? नहीं नहीं मैम, वो तो स्कूल ओपन नहीं हुआ है ना, इसलिए घर वाले आने नहीं देते। हाँ तो मतलब लॉकडाउन का पूरा पालन हुआ है। हाँ क्या करे, हमें भी तो ऑफिशियल वर्क के लिए पिछले महीने से थोड़ा बहुत आना पड़ रहा है स्कूल में, और अब ये प्रोग्राम भी आ गया तो मिताली को बुलाया फिर, और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन्हें भी बुलाया गया डांस और गाना सिखाने के लिए। और ये कौन है? मैम ये है रुचि, सौम्या की फ्रेंड, ये भी डांसिंग और सिंगिंग में इंटरेस्टेड है। वेरी गुड, तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम में। जी मैम, पर डांस में ज़्यादा क्लासिकल नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीख जाएंगी आएंगे। और सौम्या का घर तो पास में ही है, फिर भी नहीं आती है, पर अब तो आना पड़ेगा जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो। यस मैम आएंगे ज़रूर। और मिताली इन दोनों का नाम भी लिस्ट में ऐड कर दो और डेज स्पेसिफाइड कर दो आने के लिए। ओके मैम। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं बाद में। नमस्कार। प्रिंसिपल कौन है? दीदी है। दीदी आपकी? अरे नहीं नहीं सन्यासिनी दीदी है। देखो देखो वो आ रही है। वो कैसी ड्रेस पहन रही है? वो सन्यासिनी है ना, इसीलिए। सन्यासी तो सुना था, सन्यासिनी क्या होता है? आनंद मार्ग में सन्यासी और सन्यासिनी दोनों होते हैं, जो कि मानवता की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जिन्हें हम होल टाइमर भी कहते हैं। अच्छा मतलब पूरा समय सेवा में। अरे हाँ भाई, अब हम और आप जैसे लोग कैसे कर पाएंगे? हाँ जैसे हम और आप अभी स्टूडेंट हैं, और कल अगर गृहिणी बन गए तो हमें घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी ये सब करने के लिए। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये प्रावधान दिया है सन्यासी और सन्यासिनी का। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो दीदी से मिल लेते हैं। ओहो, हाउ आर यू चिल्ड्रन? फाइन दीदी, नमस्कार। ओ सौम्या, यू आल्सो केम? यस दीदी। व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग दीदी। नथिंग? व्हाई? यू आर नॉट अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस? नो दीदी, आई एम अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस, बट नो अदर वर्क्स। एंड मेडिटेशन? मेडिटेशन? देयर इज नॉट सच एनवायरनमेंट एट होम। ओ इट्स ट्रू, but try to do at least twice in early morning at 5 o'clock and in evening. See Mitali, she is continuous towards her sadhana. Who is she? Didi, she is Ruchi, Soumya's friend. When I went to Soumya, I came to know about her. She is interested in singing and dancing both. Oh, very good. Have you heard about Prabhat Sangi? No Didi, but I love devotional songs. Prabhat Sangi is also such kind of songs. It is very much inspirable and melodious. It will be interesting for you to learn. Yeah, Didi. Didi, I want to learn one more thing. Yes, tell me, what? Didi, I want to learn meditation. Do you really want to learn this technique? Yeah, Didi. I am doing it by watching some videos, but I am never able to concentrate my mind. Oh, nice. If you are interested, then come tomorrow. I will give you initiation. But one more problem is there at her home. What problem? Noise, loud music and all. Every time? Not every time.
but at the time of study and meditation, I think. Oh-ho, if such a problem is there, it is our responsibility to solve it. Didi, can you visit her home at any free time? Yes, sure. Where is the residence? Didi, Soumya and Ruchi are neighbors. They reside in same colony. Okay, I'll try to come in evening. I will come with teachers, Sandhya ma'am and Diti ma'am. Okay, you are welcome, Didi. Namaskar, Didi. Namaskar. Soumya? Soumya? दीदी नमस्कार 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 मैम नमस्कार हाउ आर यू सौम्या आई एम फाइन दीदी ओ यू केम फॉर दीदी सी ना या विच वन इज रुचि होम ओ प्लीज कम इनसाइड दैट्स रुचि होम नमस्कार दीदी दीदी आई दीदी कम इनसाइड जी ये लोग टीचर है स्कूल में एक मिनट दीदी आई एम कॉलिंग रुचि रुचि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैं डांस टीचर हूँ आप जी मैं म्यूजिक टीचर हूँ जी आप कौन कैसे बोल नमस्कार दीदी नमस्कार मैम नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार 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 दीदी नमस्कार मैम नमस्कार दाऊ जी दीदी इंट्रोड्यूसिंग माई फैमिली शी इज़ माई मदर शी इज़ माई आंट शी इज़ माई सिस्टर मान्या एंड इज़ माई मोस्ट बिलवड ग्रैंडपा नाइस टू मीट यू ऑल हैं हिंदी बोलिए हिंदी में बोलते सुन नहीं आया क्या बोला जी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा जी घर परिवार सब ठीक ठाक चल रहा है जी जी सब बढ़िया चल रहा है अभी तो लॉकडाउन है तो बच्चे घर में पढ़ते हैं लड़ते झगड़ते हैं और ये सब तो चलता ही रहता है सौम्या आजकल घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या नहीं नहीं दीदी मैं नहीं ये दोनों अरे आप लोग एक साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं मिलजुल के रहना चाहिए अरे ये तो पूछिए किस बात पे इन लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है किस बात पे बताओ मैं जो समझता हूँ कि बच्चों में दोपहर में झगड़ा है म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत के ऊपर अब वो मुझे एक बच्ची को चाहिए वेस्टर्न म्यूजिक एक को चाहिए शास्त्रीय संगीत भजन लगाने उसी में झगड़ा होता है मैं बोलता हूँ भजन लगा तो वो लगाती है वो उसको छेड़ देती है अरे म्यूजिक म्यूजिक के चक्कर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता हमें तो लगता है मैं घर पे किसी ने जादू टोना करके रखा अरे हमको कहाँ ऐसे घूर के देख रही है अच्छा हाँ हम लोग जब आ रहे थे तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ नेगेटिव माइक्रोवाइटा का प्रकोप है जी माइक्रोवाइटा का मतलब अनुजीवित माइक्रो मीन्स बहुत छोटा और वाइटा मतलब वाइटल एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसी के लैब में डिटेक्ट किया जा सकता है अब सोचिए जब ये माइक्रोवाइटा मानसिक जगत से ताल्लुक रखते हैं तो ये लैब में कहाँ से डिटेक्ट हो पाएंगे हाँ पर इसमें भी जो क्रूड माइक्रोवाइटा है उन्हें हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है लेकिन सबटलर और सबटलेस माइक्रोवाइटा को सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है तो क्या दीदी हम भी इसे रियलाइज कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी ध्यान और मेडिटेशन क्रिया से जी हमारे स्कूल में बचपन से ही बच्चों को मेडिटेशन और ध्यान सिखाया जाता है क्यों सौम्या करती हो कि नहीं तो मैं तो बताया नहीं कभी
हाँ दादाजी, रुचि को बताया है, कल हम जाएंगे स्कूल में मेडिटेशन सीखने। तो मेडिटेशन के लिए अब जो है हमें सीखना हो, कैसे सीखेंगे? जी, हमारे यहाँ सन्यासी दादा और सन्यासिनी दीदी होती हैं, हम लोग महिलाओं को सिखाते हैं। अगर आपको सीखना होगा तो आप सन्यासी दादा से सीख सकते हैं। पर फिर भी हमारे यहाँ नेगेटिव माइक्रोवेटा। हाँ, गुण के आधार पर माइक्रोवेटा दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लीजिए हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव माइक्रोवेटा का प्रकोप है। अच्छा, तो ये बताइए हमारे यहाँ नेगेटिव माइक्रोवेटा आया कैसे? जी, हमें जहाँ तक लगता है, अब देखिए हम यहाँ आ रहे थे तो आपके दरवाजे पे काफ़ी शोरगुल हो रहा था। हमने दीदी से कहा भी कि वापस चलते हैं, लेकिन दीदी ने कहा कि नहीं, आप लोग को चल के कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, शायद आप लोग उसका पालन करें। श्योर गुड, हमारे यहाँ। जी हाँ, अभी हम गेट पे आए तो काफ़ी तेज डीजे बज रहा था ना। जी नहीं, वो तो म्यूजिक बज रहा था। जी वो म्यूजिक नहीं, नॉइस था। जी, जब कोई लाउड म्यूजिक, डीजे या फिर ऐसा गाना बजता है जो हमारे मन को दुनियावी चीज़ों की तरफ खींचता है, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन का क्रिएशन होता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एक तरीके से नेगेटिव माइक्रोवेटा का ही प्रकोप है। आप लोग देखे होंगे जहाँ पर मधुर मधुर आवाज़ में कीर्तन भजन चलता है, वहाँ का वातावरण कितना पॉजिटिव और कितना पवित्र होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव माइक्रोवेटा का प्रकोप है, जिससे वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का भी क्रिएशन होता है। इस बार रुचि ने प्रभात संगीत उत्सव में पार्टिसिपेट भी किया है। प्रभात संगीत उत्सव क्या है? जी, एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें बच्चों द्वारा प्रभात संगीत पर आधारित सिंगिंग और डांसिंग का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। हर साल हम लोग 14 सितंबर को प्रभात संगीत दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जी, इस बार तो लॉकडाउन है, पर कैसे सब होगा? इसीलिए तो इस बार सब ऑनलाइन हो रहा है, वेबिनार और यूट्यूब के माध्यम से। भाग गया संगीत में, तुम डांस वांस कर रही हो? नहीं क्यों, पसंद करोगी? क्योंकि प्रभा संगीत है क्या? ये ऐसे भक्ति संगीत है जो हमारे मन को परमात्मा की ओर अग्रसर रखते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे गुरुदेव ने पहला प्रभात संगीत दिया था 1982 में। जी, बिहार के देवघर में। जी, इसके अगले ही 8 सालों में 8 भाषाओं में टोटल 5018 प्रभात संगीत दिए गए, जो कि उसके कंपोजिशन और लिरिक्स के साथ दिए गए। कई सारे प्रभात संगीत की रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। मेरा एक सजेशन और था आपसे, कि बच्चों की माता जी को भी बुलाना चाहिए स्कूल में कभी कभी, तो वो भी जरूरी है, उनको भी नॉलेज हो यहाँ पे कैसे होता है, क्या नहीं होता, कैसे माइक्रोवेटा होता है, कोई निगेटिव होता है, क्या होता है, वो भी बच्चों को कंट्रोल कर सकती है ना, टीच कर सकती है, बता सकती है। जी, इसीलिए तो हम डीडी से करने आए आपके। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर हम लोग अब चलते हैं। जी दीदी, ठीक है, फिर आइएगा कभी फिर। मिताली, कॉल डिप्टी मैम एंड संध्या मैम। जी दीदी। एंड यू ऑल्सो कम। Invitations? How? Mitali, have you designed any? Yeah, Didi. Ananya Didi is designing the invitations for WhatsApp and Facebook. We will put it on Instagram and all. Okay. And what about the videos? Yeah, Didi, we are working for this and we also edit the videos. Okay, then carry on. All the best. Okay, we fine, Moksha. Thank you.
नहीं माने बेला ओ बेलाए नहीं माने बेला ओ बेलाए नहीं माने बेला ओ बेलाए तारी कल लोले येशु मोर घरे तुमी येशु जोदी भालो बेशे थाको प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके बोल रहे हैं अजय नगर।